गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं सुबह सुबह बेटों को स्कूल छोड़ के आ रही हूँ और बिल्कुल भी आज स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था। बहुत रो रहा था कि घर में सब है ना, उसका मन नहीं था स्कूल जाने का, पर ज़बरदस्ती मैं उसको स्कूल छोड़ के आई। अब जा रही हूँ मैं घर। चला दो धीरे धीरे। हाँ चलाया मैंने। मोड़ के डाल दूँ मैं मुझे लग रहा है ना चावल के आटे की तरह लगेगा। हम हाथ से ये रोटी बना रहे हैं भाई, हाथ से पराठे बना रहे हैं। इसको हाथ से पराठे एक तो हो गया, ये वाला चिपक गया। मेरा दिमाग खराब कर देता लड़का। लड्डू दे दो मम्मी। नहीं लड्डू कट। हम हाथ से ही पराठे बना रहे हैं क्योंकि अभी कितने दिन है, आज पांचवा दिन है ना। अभी आप लोगों के पास पांच दिन है, जिसको जिसको बनाना हो फटाफट बना सकते हो। इसमें सिर्फ आटा जैसे नॉर्मल गूंथते हैं वैसे ही गूंथा है। सब्जी में प्याज नहीं, हल्दी वल्दी कुछ नहीं डालना। हल्दी नहीं, अदरक और टमाटर, जीरा और हरी धनिया, मिर्ची, यही डालना और कुछ नहीं। दे रहे हैं तो ये सब डालना ताकि पराठे में ऐसे नॉर्मल से क्योंकि ये ना बेलन से नहीं होते, ये फट जाते हैं। तो हम हाथ से क्या बेटा दे रहे हैं। अभी लगा रही हूँ, पूरे धुएं से उड़ जा रहा है। देखो अभी ना इससे सफेद हो जाएगा पूरा धुआं। अब देखो ये देखो अब कैसे धुआं आएगा। देखो अच्छा तीनवा किया है, ये देखो अब धुआं देखना इसका, जैसे कोई सिगरेट फूंक रहा हो। घी में बहुत तेज आता है ना, घी में बहुत तेज आता है धुआं, पूरे रूम में धुआं धुआं हो गया। देखो इसीलिए पता है यही चीज, यही वो है कि लहसुन प्याज लोग नहीं खाते और क्योंकि ना वो महकता है, बदबू आती है, इसलिए लोग नवरात्रि में इसलिए नहीं खाते हैं। बाकी कहने की बात हो गई, वो नॉन वेज है, ये है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहते हैं माता जी को वो चीज अच्छी लगती है जो खुशबू आए, और इन सब में थोड़ी बदबू आए। अभी कच्ची प्याज वगैरह खा लो किसे बदबू सी आती है, बस यही है। बाकी कुछ इत्र लगाते हैं उनको, और पूड़ी वगैरह भी कहते नहीं निकालते ना। अरे ये तो टूट गया वाला, तो कोई बात नहीं, हाथ से बना रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं, हाथ से नहीं बनता ये। मैं इसीलिए थोड़ी मैं तो मम्मी आप बनाओ, मेरे से नहीं बनाती रहती, मेरे से देखी नहीं, ऐसे लग रही जैसे सूजी की तरह इससे लग फटा जा रहा है। आलू मिला देते तो क्या होता है, जो फट रहा है ना फटता नहीं, चिपक जाता है। क्या कमी रह गई? नहीं कमी, हम अपना अपना दिमाग लगा रहे किसने क्या डाल सकते थे, तो फटता नहीं। जैसे ज्यादा तेल घी नहीं खाना चाहते हम, नहीं तो आलू मिला के उसकी पकौड़ी बन जाती है। लेकिन हम तो बनती है काफी लोग बनाते हैं, तेल और घी ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहते क्योंकि व्रत में क्या होता है ना, कभी ज्यादा डाल दो ना तो फिर वो इसलिए हम दिक्कत आती है। इसलिए हम इस तरह से बना रहे हैं कि ज्यादा इसमें ऑयली ना हो। तो अभी क्या कर रहे हो? नहीं तो इसकी पकौड़ी भी, इसकी पकौड़ी भी बनती है। उबली हुई आलू इसमें मिला के फिर इसी तरह से तेल में उसको निकाल लो, लेकिन हम ऑयली ज्यादा खाना नहीं चाह रहे हैं। ये
ये रहता है ना, जो चीज नुकसान करती है वही ज्यादा स्वाद भी लगती है, पता नहीं क्या है। रोटी से ज्यादा बताओ पिज्जा अच्छा लगता है ना, इसलिए अगर ये कच्चा, अरे पिज्जा लाते, पिज्जा बनाए, अगर कच्चा होगा पिज्जा बेस लग रहा है, डाल दो। हाँ, शिमला मिर्ची, हाँ इसी में सब डाल देते, शिमला मिर्ची खाते है ना व्रत में। लास्ट पराठा बचा हुआ है जो मैंने सेक दिया है, अब आपको मिलती हुई इसके रिव्यू के साथ कि कैसा बना है, मम्मी टेस्ट करके बताएंगी। और मम्मी पापा की कॉल आ गई और ये फाइनल बन भी चुका है, तो इसलिए मम्मी वहाँ चली गई है और ये अभी मैं लेके चलती हूँ। इसको थोड़ा सा भोग भी लगाएंगे और मम्मी इसका रिव्यू देंगी कि कैसा है। सब्जी मैंने बना दी थी पहले ही, तो इसको थोड़ा गर्म भी कर लेती हूँ और देखते हैं कैसा बनना है। अगर अच्छा बना तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि आप लोग ट्राई करना कि कैसा है, अच्छा है क्या है। और अगर रिव्यू अच्छा नहीं हुआ, जेन्युइन ही रिव्यू देंगे हम लोग, नहीं अच्छा हो तो आप लोग भी मत ट्राई करना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं है ना, मेहनत भी करो, कितनी मेहनत करी है हमने। तो अब ये गर्म हो रहा है, इसमें थोड़ा सा घी भी डाल देंगे अभी खाते हुए। तो अगर और भी अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप बता, मैं रेसिपी भी बता दूंगी इसमें क्या क्या डाला था। तो पहले तो रिव्यू लेते हैं भाई, अच्छा है कि बुरा, ठीक है। इसमें छुपा है, ये वाली रोटी छुपा दूंगी, ठीक है। सुंदर सुंदर ब्लॉग में आप लोगों को सुंदर सुंदर पराठे दिखाऊंगी ना, जो जली हुई थोड़ा उसको छुपा दूंगी। चलो कोई नहीं, दिखा देते, अच्छा बुरा देखो सब बन जाता है ना। तो अब हम इसको लेके चलते हैं, देखते हैं मम्मी को कैसे लेते हैं। मम्मी चलो मौली बेटा, अभी बाहर बेटा दरवाजा बंद करो, दादी को आने दो। चलो मौली, मौली, ठीक है ठीक है, आपको भी यही देंगे आज, खा लेगा इसको, सूखी चीजें बहुत अच्छी लगती है। सच सच बताओ, ये बात नहीं होती, सही सही बताना, नहीं भाई सच्ची बता रहे हैं, सही है, अच्छा है, ये भोग लग गए, माता जी का प्रसाद हो गया, तो स्वाद आ गया, हाँ स्वाद आ गया। नहीं ये कोई बात नहीं होती, सही सही बताओ क्या कम है क्या ज्यादा है, स्वाद हो गया। नींबू डाला था इसमें, नींबू, हाँ थोड़ी सी खट्टा लग रहा है, नहीं लग रहा, मैं डाली थी हल्का सा, तो मतलब बेकार है, नहीं सही है, अच्छा है, मतलब कमी क्या क्या रह गई, नहीं सही लग रही, कोई कमी नहीं है, पक्का, हाँ व्रत तो भाई ऐसे ही बनता है, तो मतलब लोगों को बोल सकते हैं कि हाँ आप बना के खा सकते हैं, हाँ बना के खा सकते हैं। चलो ये भी एक आप लोगों को सजेशन है कि थोड़ा सा अगर इसमें नींबू डाल देंगे ना तो और स्वाद आ जाएगा। मम्मी छोले भटूरे लग रहे हैं क्या? हाँ, छोले भटूरे कुलचे लग रहे हैं। हाँ हाँ सही में मैं बोलने यही वाली थी, लेकिन मेरे ना इडली निकल गई, कुलचे की तरह लग रहे हैं, है ना, थोड़े टाइट होंगे बस, आलू की सब्जी, वो लोग इनो वगैरह डाल देते होंगे, फूल जाते होंगे। किस चीज का बनाते, सिंगाड़े का था ना ये, सिंगाड़े के आटे का पराठा है, लोग रोटी भी सेक लेते हैं पता है, और एकदम गजब पतली पतली बेलते, वो थोड़ा उसमें वो मिलाते हैं ना कुट्टू का आटा, लेकिन अपने में नहीं खाते, नहीं खाते कुट्टू का आटा, मिला के बनाते और बेल के बनाते, तो ये बस मम्मी के लिए बनाया था, हमें नहीं मिलेगा, नहीं टेस्ट करने मिल जाएगा ना, मम्मी वो है ना भोग लगा, भोग वाला है ना, हम लोग मिट्टी मत देखती, मत क्या करूं, देखती मत, मैं क्यों नहीं देखूं तुम्हें, तुम इतने सुंदर हो, इतनी शैतानी करते हो, तुम्हें देखूं दो तीन थप्पड़ मारूं, है ना, भगवान जी की तुम पूजा पाठ से तो तुम्हारा कोई मतलब है नहीं, तुम्हें ये शैतानी से, अभी पानी रखे थे इसी में, तो मम्मी को स्वाद आ गया, मजा आया, हाँ तो ये व्रत में स्वाद स्वाद वाली चीजें खाएंगी, पुण्य लगेगा एकदम, आया ना बढ़िया स्वाद, ये एक दो तीन चार, एक कटोरी सब्जी, पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन तक चल जाता है, थोड़ा बहुत करो ना तो भी, लेकिन ना सातवें छठे दिन से ना ऐसी थोड़ी वीकनेस सी लगने लगती है ना,
तो ये होता है कि थोड़ा कुछ एक ही बार खाओ, लेकिन थोड़ा ऐसे खाओ कि भाई थोड़ा तो पेट को वो मिले। मैंने कुछ नहीं खाया अभी। हाँ, तो माता रानी ये थोड़ी कहती है कि अभी शाम खा लेना। हाँ, आज नहीं खाया। तो ये होता है कि शाम को खाओ, लेकिन एक बार खाओ तो ऐसा कुछ खाओ कि चलो थोड़ा न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। गाइस रिव्यू तो बहुत बढ़िया आया है। बाकी अगर आप लोगों को बनाना है तो मैंने सब कुछ बता दिया है, नॉर्मल सिर्फ लहसुन प्याज छोड़ के और हल्दी वगैरह छोड़ के। बाकी रेसिपी इसकी बहुत सिंपल है, पराठे मैंने बता ही दिए थे। तो ये था आज का ब्लॉग, आपको ब्लॉग कैसा लगा? और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि सप्तमी और अष्टमी में हम लोग थोड़ा कंफ्यूज है, वो कब है, एक ही दिन पड़ रही है, तो वो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट में बताना, हमें भी आइडिया मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।